हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजु सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा नया चैनल मितास गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टार फ्रूट की प्लांट आप लोगों को पॉट में लगा के दिखाऊंगा और इसके लिए हमें कौन सी फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कैसे सॉइल बनाना चाहिए, वो सारे बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। तो ये है वो प्लांट, ये आप देख सकते हो, ये स्टार फ्रूट का प्लांट है। इसको मैंने कुछ दिन पहले ग्राफ किया था, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने इसको ग्राफ किया था और नीचे का जो हिस्सा था वो सीड से मैंने उगाया था। उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने इसको ग्राफ किया था। और ये जो मैंने वैरायटी लगाई थी, ये थाई स्टार फ्रूट है जो हर एक साल में 3 बार 7 बार ये फल देता है और बहुत ही मीठा वैरायटी होता है। तो वो वैरायटी मैंने लगाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस पॉट में लगाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही एक पॉट में इसको रख दिया था तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है और उस पॉट से मैं इसको निकाल के लाया हूँ, ये आप देख सकते हो। और अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा और इसके लिए जो मैंने सॉइल बनाई है वो है, ये आप देख सकते हो, 20% इस पर मैंने मिलाया है कोकोपीट, ये आप देख सकते हो 20% कोकोपीट है और 20% मैंने मिलाया है रिवर सेंट और मैंने 50% मैंने लिया है जो हमारे गार्डनिंग सॉइल होता है वो मैंने लिया है 50% और 10% मैंने इस पर बोन मिल जो होता है वो मिलाया है। तो ये सारे चीज़ें मिला के मैंने इसकी जो सॉइल है वो तैयार किया है, क्योंकि ये जो सॉइल है ये इससे ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है और प्लांट की जो रूट है वो फैलने में बहुत ही मदद मिलती है इस सॉइल में। तो ये सॉइल हर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें पानी नहीं जमता। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ये जो ये पॉट देख सकते हो, ये बॉन्साई का पॉट है, तो मैं इस प्लांट को बाद में बॉन्साई बनाऊंगा, तो इसीलिए इस पॉट में ग्रो कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पॉट है, बीच में लगाऊंगा क्योंकि पॉट की सेंटर में हम प्लांट लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले मैं इसकी सॉइल को थोड़ी सी ऐसे ऊपर उठा लेता हूँ। इस तरह से और अपने इसको यहाँ पर ऐसे बस अब सॉइल में इसमें फल दूंगा। तो मैंने जो सॉइल है वो फल दिया है, प्लांट को लगा लिया है और अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ये आप देख सकते हो, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। और जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करो, नए पॉट में लगाओ, तो थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट मिला लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे प्लांट को डेवलप होने के लिए मदद मिलती है और प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ी सी हमें मिला लेना चाहिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मैं इस पर मिला लेता हूँ। यह 1.5 लीटर का है तो इसीलिए मैं 1 चम्मच और 1/2 चम्मच में मिला लूँगा। इसको आप स्प्रे करके भी दे सकते हो या फिर जड़ों में भी दे सकते हो, मैं दोनों ही टेक्निक से दूंगा, नीचे में भी दूंगा और पत्तों में भी दूंगा स्प्रे करके। और बहुत ही जल्दी ये पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी तरह से मैं सबसे पहले जड़ों में दे देता हूँ। और अब मैं ऊपर की तरफ भी जो पत्ते हैं उस पर स्प्रे कर दूंगा।
इस तरह से सारे पत्ते पे मैं स्प्रे कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस प्लांट को एक हफ्ते के लिए छांव में रखूंगा, क्योंकि अगर मैं इस समय इस प्लांट को धूप में रख दूंगा तो हो सकता है ये प्लांट ग्रो ना करे, इसीलिए हमें इसको एक हफ्ते के लिए छांव में रखना होगा। और ये जो फूल है और छोटे छोटे फल भी बन रहा है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे जो स्टार फ्रूट है वो बन रहा है, जो फल है वो बन रहा है, लेकिन मुझे इस समय इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस समय अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो जो फूल है वो सारा गिर जाएगा, वो दोबारा ग्रो नहीं होगा, क्योंकि प्लांट जो है वो शॉक में चला गया है, बहुत ही शॉक हो गया है, तो इसकी वजह से ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा, जो फूल है वो सारा गिर जाएगा, लेकिन प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा, लेकिन 2-3 महीने बाद इसमें फूल फिर से फूल आना शुरू होगा और उसमें फल भी बनेगा। तो इस समय हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, छांव में रखना चाहिए, एक हफ्ते के लिए मैं छांव में रखूंगा। और जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करो तो थोड़ी सी मैग्नीशियम सल्फेट हमें उस पर मिला लेना चाहिए और एक हफ्ते के लिए उस प्लांट को छांव में रखना चाहिए, तभी वो प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और जो सॉइल मैंने बनाई है उस सॉइल में मैंने 20% कोकोपीट लिया है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें एक हफ्ते में 2 बार पानी दोगे तो भी बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। और जब भी आप किसी फ्रूट प्लांट की सॉइल बनाओ तो मैंने जो सॉइल आप लोगों को बताई वही बेस्ट सॉइल होता है फ्रूट प्लांट के लिए, सभी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 50% आप नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ले लीजिए, 20% आप कोकोपीट ले लीजिए, 20% रिवर्स सैंड ले लीजिए और 10% उसमें बोन मील मिला लीजिए, और अगर आपके पास है तो नीमखली भी थोड़ी सी मात्रा में मिला लीजिए, उससे क्या होता है सॉइल में कीड़े नहीं लगते। तो ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है हर प्लांट के लिए, अगर आप पॉट में लगाना चाहते हो, उसकी सॉइल बनाना चाहते हो, तो ये बेस्ट सॉइल होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी कोई भी फूड प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से पॉट में ग्रो कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी तरह से वो उसमें फूल भी आएगा और फल भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ये जो मेरा नया चैनल है, इस चैनल में मैं सिर्फ वो वीडियो अपलोड करूँगा जो प्लांट की केयर के बारे में मैं इस चैनल में बताऊंगा, सभी प्लांट को कैसे लगाना है पॉट में, कौन सी सॉइल बनाना है, तो इसी के ऊपर मैं इस चैनल में वीडियो बनाऊंगा, तो इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके रखना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।